हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वक्त दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बॉस कंपनी की ड्रिल मशीन। तो दोस्तों मैंने कई सारी ड्रिल मशीन चलाई जो कि मेरे हाथों से कई दिनों तक नहीं चल पाई, तो मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि एक बार आप बॉस कंपनी की ड्रिल मशीन यूज करिए। तो दोस्तों मैंने इसे परचेस किया है अमेजोन से लगभग 5,500 के करीब। इसमें दोस्तों आपको कई सारी क्वालिटी मिल जाती है। इस हेवन मशीन में लगभग 8,000 से 10,000 के करीब भी आती हैं। तो दोस्तों ये लगभग मैंने 5,500 के करीब अमेजोन से परचेस किया है। इसी के चलते हैं दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं यूज करके आपको इसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ। तो दोस्तों लगभग मैंने इसे 1 साल यूज किया। अब मुझे ये दोस्तों कैसी लगी कैसी नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमें अंदर क्या क्या फ्यूचर मिलता है इस ड्रिल मशीन के अंदर। तो दोस्तों इसका जो बॉक्स है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर का ये लोगो बना हुआ है और बॉस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लिखा हुआ है। और ये जो पेटी भी है दोस्तों ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। और सारी ड्रिल मशीन में दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी की ये जो पेटी है ये नहीं मिल पाएगी, लेकिन सिर्फ बॉस ही कंपनी में है दोस्तों मुझे ये जो इसकी अटैची है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और मजबूत मुझे लग रही है। तो चलते हैं दोस्तों इसे ओपन करते हैं। उससे पहले के दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 2.0J और यहाँ पर GBH 220। तो दोस्तों ये मेरी हैमर मशीन 2.0 की है। यहाँ पर 720 वाट की ये मशीन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं अंदर आपको क्या क्या इसके अंदर हमें मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे ओपन कर लिया है और पहली बात तो दोस्तों इसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं ये लगभग 3 मीटर के करीब इसकी वायर आपको देख सकते हैं मिल जाती है हमें इस हैमर मशीन के साथ। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक मीटर मिल जाता है, इसको आपको इसके अंदर फंसा कर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छेद है यहाँ पर, इसको फंसा कर कितने इंची का आपको इसमें ड्रिल करना है उसके यहाँ पर नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4। इसी की सहायता से दोस्तों आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं कि आपको कितने इंची का बीट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे खुद लगभग 1 से 2 घंटे लगातार चलाया, ये बिल्कुल भी दोस्तों ख़राब नहीं हुई। मैंने इसका बहुत ही अच्छे से यूज किया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं आप सबके लिए 1 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप सबके लिए आप सबको बता सकूँ। यहाँ पर दोस्तों आप ये जो ड्रिल मशीन देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बनी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। प्लास्टिक यहाँ पर यूज की गई है। यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई भी आपको स्क्रैच या कुछ जल्दी नहीं आने वाला है और बहुत ही अच्छी है दोस्तों ड्रिल मशीन है। तो कुछ इस प्रकार की है दोस्तों हमारी बॉस कंपनी की ड्रिल मशीन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्लिप मिल जाती है जिसकी सहायता से अगर आप इस पर करते हैं तो सिर्फ ये हैमर का काम करेगा। अगर आप इसको बीच में करते हैं तो ये हैमर और ड्रिल का दोनों काम करेगा। अगर आप इसको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ ड्रिलिंग का काम करेगी, हैमर का काम नहीं करेगी। तो और ये दोस्तों आप जो ये ऑप्शन देख लेते हैं इसका काम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। और इसके द्वारा दोस्तों आप प्रेस करते हैं तो ये ड्रिल मशीन चालू हो जाएगी। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस वाले पॉइंट को आपको प्रेस करके रख छोड़ देना होगा, ये आपकी मशीन लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की हमारी ड्रिल मशीन बॉस कंपनी की जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है दोस्तों। मैंने इसे खुद 1 साल यूज किया। तो चाहे दोस्तों आप इस हैंडल को यहाँ से खोल कर निकाल सकते हैं अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो। और मैं दोस्तों इसका यूज करता हूँ इसलिए मैंने इसको अभी तक निकाला नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जगह हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप छोटे मोटे कामों के लिए लेना चाहते हैं तो आप 1,500 की ड्रिल मशीन को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या तो भारी वर्क कर रहे हैं इस ड्रिल मशीन के जरिए तो आप बॉस कंपनी की ज़रूर ड्रिल मशीन लें, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। हमने इसे खुद 1 साल लगभग यूज किया तो दोस्तों इसमें कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई। इसकी जो मोटर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है क्योंकि दोस्तों ये बीच बीच में रुकती नहीं है, और बाकी सारे मैंने ड्रिल मशीन को चलाया तो वो बीच में कोई ना कोई इसमें खराबी आ जाती है, लेकिन अभी तक मैंने इसको दोस्तों यूज किया अभी तक इसमें कोई भी खराबी नहीं आई है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 स्टेप मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, एक हैमर ड्रिल दोनों, और तीसरा वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ड्रिल का है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन
बॉस कंपनी की, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। अगर दोस्तों आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप दोस्तों ग्लेंडर मशीन को भी खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक और वीडियो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख कर और उस ग्लेंडर मशीन को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और आपको इसके साथ कुछ भी नहीं मिल जाता इसके अलावा, तो यहाँ पर दोस्तों बॉस कंपनी को इसके साथ हमें कुछ टूल्स देने चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है। इसके द्वारा आप मार्किंग कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने एक मार्का और ये दो बीट अलग से बाय की है। अगर दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी की बीट नहीं बाय करते हैं तो आपकी ये जो बीट है हैमर मशीन में फंस कर हैमर मशीन को ख़राब भी कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप बाय करते हैं तो ये जो बीट है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये नहीं कि 100-200 के चलते बचाने के कारण दोस्तों आप लोकल क्वालिटी की बीट ले लें। तो ये दोस्तों मैंने 6.5 इंच वाली बीट ली है जो कि मैं गुल्ली पेंच को ड्रिल करने के लिए यूज करता हूँ। दोस्तों कुछ इस प्रकार की है हमारी ड्रिल मशीन। अगर दोस्तों आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और कमेंट में बताइए कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे द्वारा कोई सुझाव या जानकारी आपको रह गई हो तो प्लीज़ वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।